इस साल मॉनसून की अनियमितता ने किसानों को कई तरह से नुकसान पहुंचाया है। कहीं अधिक बारिश से फसलें बर्बाद हुई तो कहीं सूखे का कारण फसलों की बुआई ही नहीं हो पाई। कई राज्यों में जब फसलें कटने के लिए तैयार हुई तो बेमौसम की बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इससे खेत में खड़े बाजरे की फसल की क्वालिटी खराब हो गई। वहीं बाजरे की पशु चारा जो कि किसी काम की नहीं रही, ऐसे में पशुपालक किसानों के सामने पशु चारे का संकट खड़ा हो गया है। देश भर में पशु चारे की कमी के समाचार सामने आ रहे हैं। चारे की महंगाई 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। गेहूं के भूसे की कीमत 700 से 800 रुपए प्रति मन पहुंच गई है, जो पिछले सीजन में 400 से 450 रुपए प्रति मन थी। चारे में उच्चतम महंगाई के कारण दूध की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि दाम और बढ़ सकते हैं। देश के जिन राज्यों में बाजरे की फसल होती है, वहां के किसान बाजरे का उपयोग या तो भोजन में करते हैं या फिर कड़बी का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है। कड़बी को पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार माना जाता है, जिससे दूध की मात्रा और क्वालिटी में वृद्धि होती है। सितंबर महीने में बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी चारे की फसलों को नुकसान होने से छोटे पशुपालकों की हालत बेहद खराब है। सबसे ज्यादा परेशान राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसान हैं। इन राज्यों ने बेमौसम भारी बारिश के कारण बाजरा और अन्य खरीफ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब किसानों को दुधारू पशुओं के लिए पशु चारे की चिंता सता रही है। पशुओं के लिए पारंपरिक आहार गेहूं का भूसा खरीदना किसानों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। गेहूं का भूसा इन दिनों करीब 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं गेहूं का भाव भी 2200 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। मालाखेड़ा के निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में पशु चारे में कभी भी इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी इस बार देखने को मिल रही है। गेहूं और गेहूं के भूसे के भाव लगभग समान हो चुके हैं। अगर यही हालात रहे तो गेहूं के भूसे के भाव गेहूं से ज्यादा हो सकते हैं। वहीं सरसों खली की कीमत भी बढ़कर 3000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच चुकी है। कुछ दिन पहले इसकी कीमत 1600 रुपए प्रति क्विंटल थी। दिसंबर 2021 के बाद से पशु चारे की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। वहीं देश में सूखे और हरे चारे की कमी के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इनमें पानी की कमी, पराली को खेतों में जलाना और बेमौसम बरसात से पशु चारे का खराब होना शामिल है। जानकारों का कहना है कि देश भर में हरे चारे की 12 से 15% तो सूखे चारे की 25 से 26% कमी है। और वहीं थोक मूल्य सूचकांक आधारित चारे की महंगाई दर अगस्त 2022 में पिछले 9 साल के दौरान सबसे अधिक 25.5% रही है। यह दिसंबर 2021 से लगातार बढ़ ही रही है, जबकि इस महीने थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। जानकारों का कहना है कि पराली को अगर खेतों में नहीं जलाया जाए तो सूखे चारे की कमी को दूर किया जा सकता है। इस साल कुदरत के कहर से किसानों पर धोरी मार पड़ी है। मानसून की अनियमितता के कारण खरीफ फसल किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रही। तो वहीं कई राज्यों में बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिका। वहीं पशुओं में लंपी रोग ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित देश के 15 राज्यों में लंपी स्किन डिजीज के कारण अब तक 1 लाख से ज्यादा दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लाख से अधिक दुधारू पशु प्रभावित हैं। इनमें गोवंश की संख्या सबसे अधिक है। देश में दूध की सप्लाई करने वाली अमूल डेयरी मिल्क और सर गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आदि प्रमुख कंपनियों ने अगस्त में चारे की कीमतों में वृद्धि का हवाला देकर दूध की कीमतों में इजाफा किया था। राजस्थान में सरस डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 64 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। किसानों का कहना है कि चारे की कीमतों में 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, लेकिन दूध के दामों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई। किसान दूध के दामों में और वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में दूध की कीमतों में वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल देश के जिन राज्यों में बाजरे की फसल होती है, वहां के किसान बाजरे का उपयोग या तो भोजन के लिए करते हैं या फिर कुड़बी का उपयोग बाजरे के पशु चारे के रूप में किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर कीमतों में और इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।